नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, नाग का नाम सुनते ही भले ही आपको डर लगता हो, नाग के विषैले दंश के बारे में सोच के भले ही आपके होश उड़ जाते हों, लेकिन दोस्तों भारत के प्राचीन ग्रंथों और कहानियों पर आप गौर करें तो आपको कुछ ऐसे हैरान करने वाले तथ्य मिलेंगे जिनसे पता चलता है कि नाग और मनुष्यों के बीच केवल भगवान और भक्त का नाता ही नहीं बल्कि इनके बीच पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मनुष्य और नागों के बीच विवाह भी हुआ है। ऐसे में दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको ऐसे चार महारथियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका दिल नाग कन्या पर आया और उनकी संतानें भी एक नागिन से हुई। दोस्तों, महाभारत काल की बात करें तो महान धनुर्धर, अर्जुन और उलूपी के विवाह का जिक्र मिलता है। उलूपी एक नाग कन्या थी जिनसे अर्जुन ने विवाह किया था और इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम ईरावन था। ईरावन की पूजा आज भी किन्नर लोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार गंगा तट पर बैठी उलूपी ने अर्जुन को देखा और वह उन पर मोहित हो गई। इसके बाद उलूपी और अर्जुन का विवाह हुआ और उनकी एक संतान हुई जिसका नाम ईरावन था। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि अर्जुन की माता कुंती भी एक नाग कन्या थी। देवी जर्तकारु नागराज वासुकी की बहन थी। इन्हें भगवान शिव की पुत्री मनसा देवी भी माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी जर्तकारु ऋषि से हुई थी। दरअसल दोस्तों, देवी जर्तकारु को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि जब जर्तकारु नाम के ही व्यक्ति से उनका विवाह होगा तब उनकी एक संतान होगी जो आस्तिक मुनि के नाम से जानी जाएगी और नागों की रक्षा करेगी। आस्तिक ने ही जन्मेजय के यज्ञ के दौरान नागों की रक्षा की थी। दोस्तों, सुलोचना रावण की पुत्रवधु और मेघनाथ की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि यह वासुकी नाग की पुत्री थी जिनके पतिव्रत धर्म और योग्यता से मेघनाथ ने जीवन में कई सफलताएं पाई थी। ऐसा माना जाता है कि भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से हुआ था। इन दोनों का पुत्र बरबरीक था जो महाभारत का एक महान योद्धा था। बरबरी की यह इच्छा थी कि वह महाभारत के युद्ध को अंत तक देखें। उनकी इस इच्छा को भगवान कृष्ण ने पूरा किया और इनका कटा हुआ सिर अंत तक युद्ध देखता रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।